सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार की तरफ से 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, क्योंकि आखिर में ये हम सभी के भले के लिए ही किया गया है और वैसे भी हम सभी भारतीय हैं और हम चाहें तो मिलकर किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। और इसी लॉकडाउन के चलते वॉर रूम और कम्युनिकेशन सेंटर्स के अलावा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स वर्क फ्रॉम होम और कम से कम स्टाफ के साथ काम करेंगे। और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसी आपदा के चलते कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो खरीद प्रक्रिया है उसे फिलहाल के लिए रोकने का फैसला लिया है। और साथ ही एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन के टेंडर्स का रिस्पांस देने के लिए जो इसकी आखिरी तारीख थी उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। बता दें कि मैन पोर्टेबल लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स, असॉल्ट राइफल्स, लाइट मशीन गन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और ऐसे ही कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट्स है जिनकी खरीद प्रक्रिया इस कोविड-19 के चलते हिट हुई है। मंगलवार को भारत के स्ट्रेटेजिक अंडमान आइलैंड के पास चाइनीज नेवी की टाइप Y901 क्लास की वैसल को ट्रैक किया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चाइनीज वैसल स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजर रही थी। जो ये टाइप Y901 क्लास वैसल है ये एक बड़े साइज की फास्ट कॉम्बैट सपोर्ट शिप में आती है जिसमें फ्यूल और वाटर के लिए 5 बेड कार्गो ट्रांसफर स्टेशन और 2 ड्राई कार्गो स्टेशन फिट किए गए थे। बाकी जो इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी द्वारा अंडर वाटर ड्रोन की फ्लीट को तैनात किए जाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट को लेकर इंडियन नेवी सोर्सेज का कहना है कि वे फिलहाल इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को लेकर कुछ भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। और जबकि चाइना की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है कि वे अपने सबमरीन्स और वॉरशिप्स को इंटरनेशनल एंटी पायरेसी मिशन के तहत इस रीजन में तैनात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया अपनी लेटेस्ट हस्की क्लास के 5th जनरेशन सबमरीन्स के डिजाइन पर काम कर रहा है और इन सबमरीन्स के डिजाइन में 2 तरह के ऑप्शंस को रखा गया है, जिसमें से एक ऑप्शन होगा एंटी सबमरीन ऑप्शन जिसमें खास तौर पर सबमरीन को यूएस की कोलंबिया क्लास और ब्रिटेन की वैनगार्ड क्लास जैसी बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन्स का मुकाबला करने के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। और जबकि दूसरे ऑप्शन में जो सबमरीन तैयार होगी उसे सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से इक्विप किया जाएगा ताकि वो बड़े साइज के सरफेस वॉरशिप्स, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो। बता दें कि जो सरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है उसमें 7000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की क्रूज स्पीड है और वो 1000 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये 5th जनरेशन के सबमरीन्स 4th जनरेशन वाली सबमरीन्स की तुलना में कम नॉइजी होंगी और इनमें कंपोजिट हल का इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड-19 के चलते इंडियन आर्मी ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में कैडेट्स की ट्रेनिंग को पोस्टपोन करने का फैसला लिया है और ऐसा पहली बार है जब ओटीए चेन्नई में कैडेट्स की ट्रेनिंग को पोस्टपोन किया जा रहा है। बता दें कि ओटीए चेन्नई में एक साल में 2 बार एसएससी के ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाते हैं जिनमें से एक शुरू होता है अप्रैल के महीने से और दूसरा होता है अक्टूबर से। और इसी के तहत अगले महीने अप्रैल के पहले सप्ताह से करीब 260 कैडेट्स की यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू होनी थी और यहाँ तक कि आर्मी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी सभी कैडेट्स को सूचित कर दिया जाएगा। असम राइफल्स की सर्विस में ऑर्डनेस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा मैन्युफैक्चर की गई 7.62x51 mm के स्नाइपर राइफल्स के पहले लॉट को इंडक्ट किया गया है। ऑर्डनेस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाई गई स्नाइपर राइफल्स 7 किलोग्राम तक के वजन के साथ आती है और इसकी रेंज 800 मीटर तक है। और बता दें कि इंडियन आर्मी द्वारा इस स्नाइपर राइफल में दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखाई गई है क्योंकि असम राइफल्स की तुलना में जो आर्मी के स्नाइपर राइफल्स की रिक्वायरमेंट्स है वो काफी अलग है और ये राइफल आर्मी की उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती है। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कोई भी 5 एयरक्राफ्ट के नाम बताइए। तो इंडियन नेवी द्वारा कई अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से अगर बात करें फिक्स विंग एयरक्राफ्ट की तो इनमें MiG-29K, HPT-32 दीपक, P-8 पोसाइडन, डोनियर Du-228 और इल्यूसिनल 38 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। तो वही रोटरी विंग एयरक्राफ्ट में HAL का चेतक, HAL ध्रुव, केमोफ K-28, केमोफ K-31 और सुकोस्की SS-60 जैसे हेलीकॉप्टर्स आते हैं। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।